अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, आपका कंटेंट, आपका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, आज की वीडियो में यही बताऊंगा ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है और क्या करेंगे जिससे आपके वीडियो पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र आप खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप डेस्कटॉप साइड में इसे इनेबल कर लेंगे। इसके बाद अपने चैनल को यहां लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहां आप चैनल के आइकन पर इस तरह से क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है, जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो रीडायरेक्ट कर देता है YT स्टूडियो में, यानी कि YouTube क्रिएटर स्टूडियो में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे वीडियो, YT स्टूडियो में रीडायरेक्ट कर देता है लेकिन वीडियो अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आता है। आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने आप फाइल से जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं वो वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आप ये देखेंगे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स लिख के आ रहा है, तो इसी पर क्लिक रहने देंगे अगर आपके वीडियो में कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है तो। इसके बाद यहाँ आप सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं या फिर ऑफ रख सकते हैं, या फिर सीधा आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ से आप इंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, सबटाइटल ऐड कर सकते हैं और कार्ड ऐड्स कर सकते हैं। ये सब मैं बाद में करने वाला हूँ, फिर से यहाँ नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइटेड चीज़ें तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ से टिक होगा इस तरह से ग्रीन आइकन में, अगर होगा तो यहाँ पर कट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर अनलिस्टेड रखना चाहते हैं, तो अनलिस्टेड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब ये सब करने के बाद सीधा आप फिर से कट बटन पर क्लिक करेंगे या फिर बैक हो जाएंगे और अपने मोबाइल में YT स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे, अपने चैनल को YT स्टूडियो में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो आप अपलोड किए होंगे अपने चैनल पर वो यहाँ दिख जाएगा। तो हम जैसे कि ये वीडियो अपलोड किया, इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो भी आप थंबनेल रखना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ थंबनेल अपलोड कर देंगे और यहाँ डन करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ अब बारी आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग का। ये टैग आप कैसे लगाएंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल यहाँ पर लिख देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अब कैसे आपको टाइटल यहाँ पर डालना है वो चलिए बताते हैं। अब जैसे कि वापस से आप फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक से वीडियो बनाए हैं वो टॉपिक यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, आप ज़रूरी नहीं है कि ये भी सर्च करें, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाए होंगे वो टॉपिक यहाँ पर सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद आप नीचे स्वाइप करेंगे इस तरह से स्वाइप करेंगे और देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है हाउ डू आई पोस्ट ए वीडियो ऑन यूट्यूब। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पर उंगली टच करेंगे और यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो गया। और चले जाएंगे आप अपने YT स्टूडियो में, यहाँ से मैं YT स्टूडियो ओपन कर लिया। वापस से इस वीडियो के पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये टाइटल है, तो टाइटल में यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से मैं कट किया और ये डाल दिया हाउ डू आई पोस्ट ए वीडियो ऑन यूट्यूब। आप इसके अलावा यहाँ पर आप अंडरस्कोर, डबल स्लैश या कुछ भी डाल के यहाँ पर एक और टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा आप यहाँ पर पीपल अल्सो आस्क में चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे एक ये कॉपी कर लिया और उसके बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे और देखिए पीपल अल्सो सर्च फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला जो है से टाइटल, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, है ना। देखिए
कॉपी लिंक टेक्स्ट क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, वापस से मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैं फिर से डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दिया हूँ, हाउ टू अपलोड वीडियो टू यूट्यूब फ्रॉम फ़ोन, तो ये सब लोग सर्च करते हैं, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप सबसे ऊपर में यहाँ से इस तरह से इसको क्लिक करके इसको नीचे कर लेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, जैसे ये वाला आप कॉपी किए थे टाइटल, किधर गया, हाँ ये रहा, हाउ डू आई पोस्ट ए वीडियो ऑन यूट्यूब, तो इसको फिर से कॉपी कर लेंगे इस तरह से, कॉपी हो गया, यहाँ गया फिर से YT स्टूडियो में, और YT स्टूडियो में आने के बाद इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा टाइटल कॉपी करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं और क्लिप बोर्ड रखा हुआ हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसी तरह से आप जितने भी यहाँ पर पीपल अल्सो अस्क है, मतलब लोगों ने यह भी पूछा, ये सब आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे ज़्यादा बढ़िया होगा, कम से कम 15-20 टाइटल यहाँ से उठाकर उसमें आप कॉपी कर देंगे, ज़्यादा सर्च रैंक में आएगा आपका वीडियो। इसके लिए सीधा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, टाइटल बढ़ जाएगा, ये देखिए इस तरह से कई सारे टाइटल आपके सामने आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इसे कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे पीपल अल्सो सर्च फॉर, तो इसको आप कॉपी करके टैग में डाल लेंगे, ठीक है, टैग में जाएंगे और इसको बैक कर लेते हैं पहले, ये हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में देखिए जैसे कि ये लिख दिया हूँ, अभी आपके सामने में डाला हूँ, आप 15-20 इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद आप जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चीज़ का आप लिंक डालना चाहते हैं वो लिंक डालेंगे और फिर से बैक कर लेते हैं। यहाँ पर अब टैग का बारी आता है, तो टैग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिर्फ वही कॉपी करके इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। फिर से यहाँ गया और यहाँ पर पीपल अल्सो सर्च फॉर लिख के आ रहा है, ये सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी में बस इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख के आ रहा है कॉपी लिंक टेक्स्ट, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपके सामने डैश अंडरस्कोर ये सब आ जाएगा, तो कॉपी लिंक टेक्स्ट पर ही क्लिक करना है और इसे आप यहाँ टैग में ऐड कर देना है, ठीक है। और टाइटल जैसे कि मैं डाला था तो वो हट गया था, तो टाइटल जैसे मैं बताया वैसे ही आप टाइटल डालेंगे। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे, आप देखेंगे कैटेगरी में आपका क्या है, जैसे मेरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद लाइसेंस में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, यही आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कमेंट वमेंट जो भी है वो आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, अगर ऑफ होगा तो इसे यहाँ से ऑन कर लेंगे, बैक करेंगे, मोनेटाइजेशन ऑन है, विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप पब्लिक पर क्लिक करेंगे अगर अनलिस्टेड या प्राइवेट है तो, और यहाँ से आप सेव करेंगे, आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जानना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आप यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करेंगे, YT स्टूडियो में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपके चैनल पर किस टाइम आता है, उसी टाइम आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे आपके वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आता है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है जिसके कारण आपके वीडियो पर व्यूज़ आएगा। साथ में आप अपने चैनल पर एक्टिव रहेंगे तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। जैसे कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहता हूँ, वीडियो एक एक महीना, दो दो महीना, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन पर एक वीडियो मैं अपलोड कर पाता हूँ, जिसके कारण मेरा चैनल नीचे जा रहा है। ऐसा आप करेंगे आपके चैनल पर भी व्यूज़ आना कम हो जाएगा। बेशक आप ये भी ट्रिक लगा लेंगे, इस तरह से भी टाइटल टैग डालेंगे फिर भी आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने चैनल पर एक्टिव रहेंगे, आप एक रूल्स बना लेंगे कि कितने टाइम में आपको वीडियो डालना है, 2 दिन पर, 3 दिन पर या फिर डेली का, वो आप रूल्स बना लेंगे। और कुछ भी हो आपको वीडियो अपलोड करना ही है अपने चैनल पर,
ये आपको प्रण ले लेना है। इसके कारण आपका चैनल ग्रो करेगा, आपके वीडियो पर व्यूज भी आएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।